साथ है देखते हैं आज की बड़ी खबर। ढाका में 19 मंजिला इमारत में भीषण आग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पॉश व्यावसायिक इलाके में एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर अग्निशमन दल मौजूद है। नौसेना और वायुसेना के जवान भी मदद के लिए मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस 19 मंजिला इमारत के कार्यालय ब्लॉक में दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह आग भीषण है। इस इमारत में कपड़े की कई दुकानें और इंटरनेट सेवा प्रदाता है। स्थानीय मीडिया के जानकारी के अनुसार लोगों को खिड़कियों से मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा गया और कम से कम 6 लोग जलती हुई इमारत से बाहर कूद गए। ढाका के केंद्रीय अग्निशमन नियंत्रण कक्ष से ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद रसेल ने कहा कि घटनास्थल पर 19 अग्निशमन इकाइयां काम कर रही है। बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना भी आग को काबू करने में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टरों ने जलती हुई इमारत पर ऊपर से पानी गिराया, जबकि इसमें फंसे हुए लोगों के सैकड़ों घबराए हुए रिश्तेदार और दोस्त इमारत के बाहर जमा हो गए। बता दें कि एक महीने पहले ही ढाका के चौक बाजार इलाके में एक बिल्डिंग और केमिकल गोदाम में आग लग जाने से 78 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 50 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। तो अमृतसर की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अमृतसर इंडिया डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।